أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي السر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناب أب في مقران كي ديبان استقبال کرتي الحمد لله هم لوگوں کا سورة चल रहा है और हम लोगों ने आयत नंबर थर्टी एट तक हम लोगों ने आ, हम लोगों ने थर्टी सेवन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया अभी हम लोग इनशाला अभी आयत नंबर एट देखेंगे थर्टी एट तो चलिए उससे पहले के हम आगे बढ़े थोड़ा सा रिविजन कर लें ताकि हम अपने अमाल को भी चेक करें कि हम कितना जो सुन रहे हैं उसके ऊपर हम अमल किता कर रहे हैं तो Uh, कल बहुत सारी अहम बातों का डिस्कशन हुआ उसमें आप बता सकते क्या क्या थी अहम बातें मोमिन की सिफात बताई गई वेरी गुड मोमिन की सिफात थी और क्या था और क्या खास बात थी जो आपको पसंद आई ठीक है एक तो है ना कि डिस्कशन तो बहुत सारी चीजों पर हुआ आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आई अस्तफार पढ़ना है मुसीबत अपने हाथों की कमाई से आता है गुस्सा नहीं करना है ओके कबीरा गुना है और गुस्सा आया तो दरगुजर करेंगे वेरी गुड गुस्से पे कंट्रोल यानी कि गुस्सा सबसे ज्यादा हिट करा सबको वेरी गुड ओके तौबा है ठीक है अच्छा तो बहुत सारे कबीरा गुनाहों का भी डिस्कशन हुआ जैसा जिसमें जो है गइबत एंड ऑल सारी चीजें आ गई सबर आ गया ठीक है तो एक तो जो है तौबा के बारे में भी हम लोग देखे थे बहुत ही प्यारी आयत कलाला किस तरीके से अपने बंदों के तोबा को माफ कर देता है और उनके गुनाहों को हताओं को से जो है अल्लाह ताला दरगुजर करता है और उसमें हम देखे थे कि कसरत से हमको तोबा और अस्तफार करना है और मुसलसल अल्लाह ताला से तोबा की तौफीक की भी दुआ करते रहना जैसा हम वजू के बाद की दुआ भी देखे थे किआ भी राइट तो तोबा की कसरत से तोबा के तौफीक की भी हम दुआ करते रहना है। अच्छा एक और एक एक बात जैसा हम लोग कल देखे थे कि मुसीबत जो भी आती है हमारे खुद अपने कसब से आती है ये भी हम लोग देखे एक इंपॉर्टेंट फलसफा हमारे को समझ में आए कि जो मुसीबत आती तो हम समझते हैं कि तो, यानी कि कहाँ से आई क्यों आई और क्या हम ये डिजर्व करते थे तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि अल्लाह जो भी मुसीबत आती है कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारे खुद के अमाल रेस्पॉन्सिबल होते हैं डेफिनेटली अल्लाह के से आती है पर अमाल तुम्हारे रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं या फिर कभी अल्लाह तला जो है आजमाइश के तौर पर भी अल्लाह तला इंसान के ऊपर मुसीबत लाता है तो हम कभी भी ये ख्याल नहीं करना है कि कोई मुसीबत आई तो किस वजह से आई कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अब मेरे ऐसे क्या आमाल थे मेरे से ऐसा क्या गुना हो गया जिसकी वजह से मैं मैं ऐसे हालात में मुब्तला हो गई भाई आप ये मत सोचो कि मेरे से ऐसा क्या गुना हो गया इंसान है गुना हो सकता है क्यों नहीं हो सकता हम क्यों अपने आप को इतने ज्यादा पारसा समझते हैं कि ऐसा मेरे से क्या गुना हो गया डेफिनेटली कोई ना कोई गुना हुआ होगा तो हम उसके बारे में अपनी इसलाह करें अब यहाँ पर देखिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ कि जब भी मुसीबत आती है तो इसमें हमारा एटीट्यूड जो होना है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग एटीट्यूड होना है किस तरीके से जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है हमारे खुद के ऊपर जब मुसीबत आती है तो हम ये सोचना है कि जरूर इसमें कोई ना कोई मेरी खता है कोई ना कोई मेरा अमल है कोई ना कोई मेरा गुनाह है में से कोई ना कोई गलती हो गई जिसकी वजह से अल्लाह ताला इस तरीके से मेरी पकड़ करावा है हालांकि अल्लाह ताला कई तो खुद अल्लाह ताला माफ कर देते हैं या तो गुना खुद माफ कर देते हैं ठीक है पर हम क्या सोच रहे हैं कहीं ना कहीं मेरा इसके अंदर कोई ना कोई वजह है जब दूसरों के ऊपर मुसीबत आती है तो हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला आजमाइश में उनको मुबिला करे हैं ठीक है ठीके? ये नहीं सोच रहा है किसी और के ऊपर मुसीबत है तो पता नहीं देखो क्या गुनाह करे थे ऐसा ऐसी खतरनाक मुसीबतों में पड़ गए ऐसे बीमारियों में पड़ गए पता नहीं ऐसा क्या गुनाह करे थे कि ऐसा उनके साथ हुआ ठीक है और जब अपने ऊपर मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला शायद मेरी आजमाइश कर रहे मेरे दर्जात बुलंद करने के लिए तो ये वाला एटीट्यूड नहीं रहना है कि दूसरों के ऊपर मुसीबत आई तो उनकी गुनाह का रीजन उनको समझेंगे और अपने ऊपर मुसीबत आई तो जो है क्योंकि हमारे तो गुनाह है नहीं तो लिहाजा हमारे तो दर्जात बुलंद है तो ऐसा वाला आ, हमारा एटीट्यूड नहीं होना है और फलाजक्का बोले अल्लाह तला कामयाब हो गया वो शख्स जो अपना तस्किया करे तो जैसे जो हालात में हम कोई सिचुएशन में मुबतला हो तो डेफिनेटली हम ये सोचना है कि कोई ना कोई कमी थी तो अपना तस्किया करें अपनी अपने गिरेबान पे जाके अपने बारे में सोचे और फिर अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करें और वो मुसीबत को अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया बनाए अल्लाह के करीब होने का जरिया बनाए ये नहीं कि हम उसमें ना करें नाशुक्री डेफिनेटली अल्लाह ताला का जो वादा है हदीस में जैसा हम लोगों ने कल देखा था कि अल्लाह ताला का जो वादा है कि कुछ तकलीफ आई गम आई हालांकि हमारे ही अमल से आई ठीक है हमारे ही गुनाह की वजह से आई पर जो भी तकलीफ और गम आया जो भी दुख आया हजन आया जो भी यहाँ तक के काटा भी अगर चुबा ठीक है हदीस डिस्प्ले कर दीजिए तो काटा भी अगर चुबा तो उसका अल्लाह ताला उसकी वजह से कफारा हमारा आमाल का जो है बना देते हैं तो यानी कि हमारे गुनाहों की वजह से मुसीबत आई पर वही मुसीबत को अल्लाह ताला फिर हमारे ही गुनाहों का कफारा भी अल्लाह ताला बना दे रहे ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है और फिर दूसरी और एक, -एक भी हदीस हम लोगों ने अः कल देखी थी ना कि अल्लाह ताला क्या बताए कि मोमिन के जिसमें जो भी एक छोटी सी ईजा पहुंचाने वाली भी अगर कोई चीज है तो उससे भी उसके गुनाहों को माफ हो जाता छोटी भी चीज अगर पहुंची तो उससे गुनाह अल्लाह तला माफ कर देते तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो आ, हमारे को यानी कि हमारे को जहन में रखना जरूरी है अच्छा उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह कश्तियों के बारे में बताए कि अल्लाह चाहे तो कश्तियों को किस तरीके से बड़े बड़े कश्तियां हैं उसको भी अल्लाह तला साकिन कर दे सकते अच्छा अब यहाँ पर देखिए कि आज सुबह ऐसा हुआ कि हमारे घर में कुछ ऐसे डिस्कशन चल रहा था तो मेरे को एकदम से ये आय क्लिक हुई कि आज न्यूज़पेपर में ये डाला था डाला गया कि सऊदी अरब के फ्लाइट जो है फिर से बंद कर दिए गए तो मेरे को एकदम से ये आयत ऐसा क्लिक करी के देखो कि अल्लाह ताला तला पर क्या बता रहे कि अगर हम चाहें तो हवा को ऐसा साकििन कर दे कि कश्ती जहाँ पीठ के ऊपर खड़ी की खड़ी रह जाए ना आगे बढ़ सके ना पीछे हट सके और अल्लाह ताला इसके ऊपर कुदरत रखता है तो उसी तरीके से मेरे को ये जहन में आया कि जो अभी कोविड की जो सिचुएशन है और जो सिचुएशन से हम गुजर के कई महीनों से जो गुजर आ रहे हैं तो देखिए कि क्या ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से क्या अल्लाह ताला हमारी हवा को साकिन नहीं कर दिए क्या गौर करने की बात नहीं है इतने अल्लाह तला ने ऐसी को साकिन कर दिया कि जहाँ के लोग है वहीं पर है यानी कि हवा में साकिन नहीं करे तो क्या हुआ कि जहाँ के लोग वहीं पर है यानी कि सऊदी अरब वाले इंडिया नहीं आ सक रहे कहीं बाहर जितने भी ममालिक में लोग हैं वही का वही साकिन रह गए तड़प रहे आने के लिए तो भी नहीं आ सक रहे कोई बीमार है तो भी नहीं आ सक रहे कोई इंतकाल हो गया तो भी कोई भी आप यानी कि शहर का तबादला नहीं कर सक रहे शहर को जो है जा नहीं सक रहे तो किस तरीके से अल्लाह ताला ने रोक दिया फिर दूसरा देखिए कि एजुकेशन जो है किस तरीके से साकिन हो गया बिजनेस कैसा अल्लाह ताला ने साकिन कर दिया था इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मामला कैसा साकिन कर दिया था तमाम दुकान हर चीज बंद है पूरा मार्केट बंद है अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सारी चीजें बहाल हो गई पर कुछ महीने पहले आप देखिए तो किस तरीके का सिचुएशन था कैसा ऐसा लग रहा था ना कि सारे लोग अपने अपने घरों में साकिन बैठ गए हुए हैं खत्म ना आ सक रहे ना जा सक रहे ना हिल सक रहे तो अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगियों को यहाँ पर तो अल्लाह ताला जो बात बता रहे आयत नंबर थर्टी थ्री में कि कश्ती को साकिन करने की बात बता रहे जबकि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की ये कुदरत देख चुके हैं कि हमारी जिंदगियों को अल्लाह तला ने साकिन कर दिया था और बताइए कि दुनिया की कौन सा पावर और कौन सी जो है ताकत ये जो है अल्लाह ताला की ये चीज को रोक सक रही थी या इसको दूर कर सक रही थी सारे मजबूर सारे बेबस घुटनों पे जो है बैठकर अल्लाह ताला के बस हुकुमों का या फिर दूसरे नेक्स्ट जो है आगे के चीजों का इंतजार कर रहे थे राइट तो ये अल्लाह ताला बताना चाह रहे कि देखो अल्लाह ताला चाहे तो इस तरीके से अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में हालात ला सकता है और अपनी कुदरत का अल्लाह ताला हमारे पास हम, हमको एहसास दिला रहे और अपनी बेबसी का हमको एहसास दिला रहे कि देखो इंसानो तुम कितने बेबस हो तुम कितने बेबस हो और कितने जो है अल्लाह ताला के लाचार हो और मोहताज हो अल्लाह ताला के कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते अल्लाह ताला के अः यानी के अः हुक्मों के ऊपर अल्लाह ताला के फैसलों के ऊपर तुम जो है कुछ भी नहीं कर सकते ये अल्लाह ताला उसका एहसास दिला रहे फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही प्यारी आयतें देखी जिसके अंदर हमने मोमिन की क्वालिटीज देखी तो चलिए बताइए कि जब हमने मोमिन की क्वालिटीज देखी तो उसके अंदर अभी अमल कितना हुआ ये हम हमको देखना इंपॉर्टेंट है कि अमल कितना हुआ ठीक है ईमान ला लिए हाँ ईमान ला ये अल्लाह तला के तमाम अः अहकाम पर कि ये हाँ, हाँ हकीकत है अल्लाह है अल्लाह के अहकाम हक है और मरकर हमको जाने का है सारी चीजों पर ईमान और अल्लाह पर भरोसा और कबीरा गुनाहों से फहश और बेहयाई के गुनाहों से बचना तवक्कल करना और फहश और बेहयाई और बुरे जो है कबीरा गुनाहों से बचना तो इससे बचने की कोशिश करें कल से आज तक के कोई अमल करने से पहले ये सोचे कि भाई ये अमल जो है कबीरा गुनाहों में से है अगर है तो फिर मेरे को इस पे यानी कि इससे मेरे को बचना है फिर दूसरा गुस्से से कल से आज तक कितने मरतबा गुस्सा करे बोलिए कल से आज तक कितने मर्तबा गुस्सा करे और कितने मर्तबा गुस्सा आने के बावजूद भी माफ करे चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बताना है करे कंट्रोल गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करे गुस्से पर वेरी गुड माशाल्लाह से और फिर जैसा मैंने कल जिक्र किया था ना कि कुछ कबीरा गुनाहों के उसमें के चेहरे पर थप्पड़ मारना ये बड़े गुनाहों में से जो है उलमा इक्राम कंसीडर करते हैं तो इसमें देखिए कि किसी का सवाल ये आया था कि अब औलाद जब तंग करती है और बहुत ज्यादा सताती है और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती तो जरा क्या है कि एक धक्का देना पड़ता ना कि मतलब होश में लाने के लिए जैसा रिसेंटली एक जोक जो है जबरदस्त था कि एक पहले जमाने में हमारे जमाने में ठीक है हमारे जमाने में फोर जी थ्री जी नहीं होता था बल्कि पिताजी होता था और फिर उस्ताद जी होता था जब उन्होंने एक थप्पड़ लगाते थे तो सारा कनेक्शन वापस आ जाता था तो उसी तरीके से जरा कनेक्शन वापस लाने के लिए होश में बच्चों को लाने के लिए एक जरा लगाना पड़ता तो उसका क्या मामला है जी उसका मामला ये है कि उसके बावजूद भी होश में लाने के लिए भी आप थप्पड़ नहीं लगा सकते हाँ आपको मानना है तो आप पीठ पर मारे हाथ पर मारे तंबी करने के लिए डांट और मेरा मेरा फेवरेट तो मतलब चुमटी लेना है ठीक है तो आप एक जो है चुमटी ले सकते हैं आ, मतलब आ, थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के लिए तो फिर इनशाला जो है ज्यादा फायदा मंद रहेगा तो बहरहाल मारना तो नहीं है ये तो हुकुम है अच्छा उसके आ, अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे कि गुस्सा और गुस्से पर ख़ाबू करना है और फिर उसमें माफ कर देना है फिर उसके बाद जो था आ, क्या था आ, अच्छा यहाँ पर हम लोगों का कंप्लीट हो गया राइट आयत नंबर थर्टी सेवन पर कंप्लीट हुआ तो अभी हमको आयत नंबर थर्टी एट स्टार्ट करना है चलिए तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपनी आयतें जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन की क्वालिटी मजीद ये है कि ईमान और तवक्ल के अलावा मजीद क्वालिटी ये है कि जो अपने रब का हुक्म मानते हैं यानी कि अल्लाह ताला के जितने भी अहकाम हैं उसके ऊपर जो है सर तस्लीम हम कर देते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम का जवाब देते हैं यानी कि जवाब का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला को कहते हैं कि अल्लाह ताला हम तेरे अहकाम पर हम हाजिर हैं और फौरी उसको मान लेते हैं उस पर राजी होते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं क्या मतलब है कि फौरी उसको जो है लब्बैक कहते हैं फौरी मान लेते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं जिस तरीके से साहबा इक्राम की कितनी यानी कि हमारे सामने जो है बेहतरीन एग्जाम्पल है कि लब्बैक का मतलब अल्लाह में हाजिर हूँ ठीक है मैं तेरे आ, के लिए मैं हाजिर हूँ तो आप साहबा इकराम की किस तरीके से सिफात थी कि जैसे अहकाम आते थे तो फौरी लबे कहकर उसको मान लेते थे, थे। हुक्म आ गया कि पर्दा करना है तो सहाबिया जहां थी अगर बाजार में थी तो वो वहीं पर बैठ गए अपने घर से दुपट्टे मंगाए और ओढ़ कर फिर अपना कदम को आगे बढ़ाए साहबा को जैसा मालूम हुआ कि शराब हराम हो गई है तो जो हाथों में जो शराब था उन्होंने फेंक दिया जो जिन्होंने शराब को पी लिया था और यानी कि उनके मुंह में था तो उन्होंने कुल्ली कर दिया और जिसके पेट में चले गया था उन्होंने खै कर कर निकालने की कोशिश करे और पूरे जो है अपने घर में जितने भी कंटेनर्स जो शराब के थे वो तोड़ कर जो है खत्म कर दिए तो इस तरीके से साहबा इकराम का मामला होता था कि जैसा उनको कोई बात अपने रब की तरफ से हुक्म मिलता तो वो अपने रब के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए झुकते हुए हाजिर हो जाते और उसको मान लेते दिल से और उसके ऊपर अमल कर लेते तो ये ये है सिफत मोमिन की फिर दूसरी सिफत अल्लाह आगे वक़ाम और वो नमाज को कायम करते हैं यानी नमाज को कायम करने का मतलब क्या है? एक आम अल्फाज में कि नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से पढ़ते हैं ठीक है पर उसके अलावा नमाज को कायम करते हैं यानी कि उसके तमाम जो शरायत है शरूत और उसके जो भी रिक्वायरमेंट है यानी की जो स्टैंडर्ड है नमाज का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक वो अपनी नमाजों को अदा करते हैं यानी कि जिस तरीके से सुनत से अदा करना है वजू जिस तरीके से करना है उसकी सतर की पाबंदी जिस तरीके से करना है नीयत का अखलास किस तरीके से होना है और जगह की पाकि लिबास की पाकि ये तमाम चीजों के अलावा भी फिर खुशू और खुदू से झुक कर अल्लाह तला के सामने अपने हर एक अल्फाज पर गौर करते हुए अपने एक एक लफ्स पर जो है मैं अपने यानी कि अपने आप को उससे कंपेयर करते हुए वो अल्फाज को अदा करते हैं और पूरे दिलचस्पी के साथ यानी कि जहन उनका नमाज के अंदर होता है जब रुकू करते हैं तो रुकू में जो तस्बी पढ़ते हैं तो वो कैफियत के साथ पढ़ते हैं सजदे में दुआ करते हैं तो तड़प कर दुआ करते हैं तो इस तरीके से वो अपनी नमाज को कायम करते हैं और अपने ऊपर से जो गुनाहों के बोझ है वो अपने ऊपर से घिराते हैं नमाज को कायम करके या फिर नमाज के जरिए से अल्लाह तला से अपना ताल्लुक को बिल्ड करते हैं अल्लाह तला का कुरब हासिल करते हैं और फिर उसके बाद क्या है अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं अच्छा हम लोगों ने कितने सिफात देखी थी कल हम लोगों ने कल फोर्थ सिफात देखी थी अभी फाइव और सिक्स हम लोगों ने देख लिया अब हम सेवेंथ की तरफ बढ़े फर्स्ट क्या था ईमान लाना सेकेंड तवक्ल करना थर्ड बड़े बड़े गुनाहों और फहज से बचना फोर्थ तो गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करना यानी कि गुस्सा आए तो गुस्सा निकालना अल्लाह तला यहाँ पर गुस्सा कंट्रोल करना नहीं बोल रहे बल्कि उससे एक स्टेप आगे बोल रहे ठीक है उससे एक स्टेप आगे बोल रहे एक है ना कि गुस्सा आया खामुश जब्त करके बैठ गए राइट और एक एक ये है कि अच्छे दिल से खुले दिल से उसको माफ कर दिए सामने वाले को जो है माफ कर दिए तो अल्लाह ताला हायर लेवल बता रहा ऊंचा लेवल बता रहा कि सिर्फ गुस्सा है तो सब्र नहीं कर लेते बल्कि गुस्से पर दरगुजर करते हैं अच्छा फिर फिफ्थ सिफत क्या है अपने रब के अहकाम को मानते हैं सिक्स सिफत नमाज कायम करते हैं और सेवन सिफत अपने मामला आपस में मशवरे से तय करते हैं मशवरे से चलाते हैं तो अब देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला आपस के मामला को मशवरे से तय करना एक मोमिन की सिफत बता रहे हैं यानी कि अब हम क्या समझते हैं कि ये क्या है भाई दुनियावी मामला इस, इससे ईमान का क्या ताल्लुक मोमिन का क्या मतलब है मोमिन का मतलब ये है कि जिस जो ईमान वाला है राइट यानी कि जो ईमान जिसके अंदर ईमान है उसको मोमिन कहते हैं तो अब यहाँ पर मोमिन की सिफत अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वो आपस में मशवरे से जो भी मामला थे उसको तय करते हैं और इसी इसी वर्ड से जो है ये सूर्य का नाम रखा गया है अशूरा शूरा का क्या मतलब है मशवरा करना आपस में जो है एक दूसरे से जो है एडवाइस लेना एक दूसरे से जो है यानी कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज करना तो इसको जो है मशवरा तो मशवरा का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो आरा का तबादले को मशवरा कहते हैं यानी कि आरा का मतलब क्या राय आपकी एक राय है उनकी एक राय है उनकी एक राय है तो आपस में आ, वो आरा के तबादले को ठीक है एक्सचेंज ऑफ व्यूज को जो है मशवरा कहते हैं जिसमें आप मिलकर म्यूचुअल डिस्कशन पर एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं ठीक है तो मशवरा कर, कर एक कंक्लूजन पे पहुंचने का आ, पहुंचेंगे तो फिर वो मशवरा कंप्लीट होगा ठीक है तो इसका अल्लाह ताला कुरान के अंदर यहाँ पर आ, बता रहे हैं कि ये मोमिन की सिफत है और उसके अलावा सुर आलिमरान की आयत नंबर वन में अल्लाह ताला आप को हुक्म दिए कि फिल अम्र के आपस में अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहे कि और अपने कामों में इनसे मुशावरत किया करे इनसे किब से? इक्राम से जो है मशवरा किया करे तो ये हुक्म अल्लाह ताला आप वसल्लम को दे रहे हैं ठीक है हुक्म के तौर पर दे रहे हैं और साथ में ये सिफात मोमिन की सिफात भी अल्लाह ताला इसको बता रहे हैं तो हमको देखिए कि अब यहाँ पर मशवरे का क्या मामला है हम देखेंगे कि देखिए कि जैसा एक इंसान है जहाँ का भी वो बड़ा है जहाँ का भी वो यानी कि जिम्मेदार है चाहे वो कोई कंपनी रहो चाहे वो कोई हॉस्टल रहो चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट रहो चाहे वो कोई स्कूल रहो चाहे वो फिर खानदान और घर रहो ओके okay? वहां का जो हेड है अगर वो कोई डिसीजन ले और डिसीजन लेकर आकर जिस तरीके से डिक्टेटरशिप की जाती है तो वैसा डिक्टेट कर दे और बोल दे कि देखो मैंने ये 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 फैसला कर दिया है और लिहाजा तुम लोगों को इसके बाद इसके मुताबिक अमल करना है तो अब आप सोचिए कि उसके ऊपर रिएक्शन क्या आएगा ठीक है उसके ऊपर रद्दअमल कैसा आएगा लोग अगर यानी कि इतनी ताकत रख सकते हैं कि आ, कुछ आ, जबान खोले तो फिर वहां पर बगावत होगी जबान नहीं खुलेंगी आ, और फिर यानी कि अगेंस्ट में जो है मामला होगा इख्तलाफात होगी और फसाद होगा अगर जबान खोलने की हिम्मत नहीं है यानी कि ऐसी ऐसी पोजीशन पे है कि आप जबान नहीं खोल सकते तो फिर वहां पर क्या होगी कि तंगी होगी घुटन होगी तकलीफ होगी और फिर अपने आप को गैर अहम समझ गैर अहम अहमियत हम आपको अहमियत नहीं दे रहे वाली जो है फीलिंग रहेंगी और आपस की जो मोहब्बतें हैं वो खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद जोर और जबरदस्ती के साथ वो मामले के ऊपर अमल किया जाएगा और उसके बाद जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए या वो मामले के जो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा उसके बरखिलाफ उसके ऑपोजिट अगर कोई शख्स है जो कोई इदारे का या कोई घर का या कोई जगह का हेड है और वो पूरों को जमा करता है जितने भी उसमें लोग यानी कि उससे जो कनेक्टेड जो भी लोग हैं तो उनको जब वो जमा करता है और जमा कर कर उनसे मशवरा करता है और उनसे बात उनके सामने बात रखता है और सबकी जो है रजामंदी उसके अंदर लेता है सबके लेता है सबकी सोच उसके अंदर जो है मिलाता है तो इसके अंदर क्या इसका रिजल्ट होता है कि ये जो टीम वर्क होता है इसके अंदर सबसे पहले मोहब्बत पैदा होती है सामने वाले को क्या फील होता है कि आप उनको अहमियत दे रहे उनके मशवरे की आपके पास जो है इज्जत है अहमियत है रजा और खुशी के साथ कोई भी मामला तय होगा और फिर रजा और खुशी के साथ उसके ऊपर अमल किया जाएगा किसी का हक नहीं मारा जाएगा यानी कि सबको अपना अपना बोलने का जब हक दिया जाएगा तो फिर उन्हें अपना हक सामने रखेंगे तो किसी का उसमें हक नहीं मारा जाएगा और फिर क्या है कि हर चीज खैर के साथ होगी और फिर अगर इनके कुछ रॉन्ग हुआ उसमें कुछ जो है तमाम मिले मशविरा करे एक फैसले पर आए उसके बाद जो है कुछ तो भी उसमें गलत हो गया उसका रिजल्ट जो है कुछ गलत हो गया तो क्या होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा पर आएगी ठीक है अगर कोई अच्छा रिजल्ट आया उसका फायदा हुआ तो तमाम क्रेडिट सबके ऊपर आएगा और फिर इसके अंदर क्या है कि सबका डिसीजन जब मिलेगा तो कोई भी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे थोपेंगे नहीं नहीं तुम बोले थे ना तुम्हारी वजह से जो है ऐसा हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्यार और मोहब्बत एक कौल के मुताबिक जो है बताते बताया जाता है कि मशवरा करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है अब देखिए कि जिस तरीके से अगर हम अपने छोटे पैमाने पर हम सिर्फ अपना अगर घर का एग्जाम्पल ले लें तो घर के जो भी सरपरस होते हैं जो भी बड़े होते हैं चाहे वो शोहर हो चाहे वो सास हो चाहे वो माँ हो ठीक है जो भी बड़े है या फिर बड़ा भाई हो ओके या फिर बड़ी बहन हो कोई भी जो भी बड़े है तो जब उन्होंने कोई चीज के ऊपर मशवरा करते हैं तो पूरा घर उसमें इन्वॉल्व होता है मोहब्बत और खुशी और प्यार से जो है एक काम होता है और फिर उसमें सबकी दिल यानी कि सबका मशवरा था तो सब दिल से वो काम करते हैं ठीक है सब जने इन्वॉल्व होते हैं सब खुशी खुशी रजा जो है काम करते हैं और अगर कोई काम थोप दिया जाए कि बस ऐसा ऐसा करना है खत्म ठीक है तो फिर क्या है कि तंगी महसूस होती बुरा महसूस होता आप यानी कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है जैसा महसूस होती आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बेस्ट एग्जांपल जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप वसल्लम हालांकि अ नबी यानी कि अल्लाह ताला के नबी है अल्लाह के रसूल है उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु सल्ला के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर मशवरा किया करते थे यानी कि सबसे बढ़कर आप मशवरा क्या करते थे यानी कि हर हर एक काम से पहले आप सहाबा से जो है पूछ रहे अबू बकर को कभी बुला के पूछ रहे कभी उमर रजन को बुला के पूछ रहे कभी सहाबा इक्राम की पूरी टीम को बुलाकर पूछ रहे कभी मस्जिद में कोई जो है डिस्कशन किया जा रहा है जैसा अगर हम अगर सीरत से वाकिफ है तो हम देखते हैं कि जंगे बदर से पहले आप मशवरा करें कि कैसा करेंगे दो दो जो है आपके सामने यानी कि ग्रुप्स है दोनों में से कौन से ग्रुप की तरफ जाएंगे जंग अहद में मशवरा किया गया कि सिटी में रहकर लड़ना है शहर में रहकर लड़ना है या बाहर जाकर लड़ना है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खंदक से पहले मशवरा करें और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मशवरा करते नहीं थे बल्कि मशवरा मानते भी थे मशवरा माना भी जाता था अब आप देखिए कि जंग खंदक में सलमान बिन फारसी रजत हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा मक्के के या मदीने के नहीं थे बल्कि उन्होंने फारस से आए हुए थे उनका भी मशवरा बाहर के लोगों का भी मशवरा माना गया ठीक है क्योंकि जब दिख रहा है मशवरा मुखलिस और फिर जो है खैर के साथ दिया जा रहा है और अच्छा मशवरा है तो उसको फिर आप सल अला जो है मानते थे और हर काम से पहले मशवरा करते थे हालांकि नबी है आप सल्ला बोल सकते हाँ मैं नबी हूँ मेरे को तो सब मालूम है मैं सबसे ज्यादा अकलमंद हूँ मेरे साथ तो अल्लाह तला की रहनुमाई और गाइडेंस है तो लिहाजा मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि लोग क्या है मशवरा करना को अना का मसला बना लेते हैं और समझते हैं कि मशवरा करना बुरी चीज है हाँ मैं मैं बड़ा हूँ मैं घर की सरपरस्त हूँ मेरे को क्या जरूरत है किसी से पूछने की यानी कि सास ये सोचती है, है? है कि मेरे को क्या जरूरत है बहू से पूछने की माँ सोचती है कि मेरे को क्या जरूरत है बेटी से पूछने की या बड़ी बहन सोचती है कि छोटे बहनों की मेरे सामने क्या वो है या क्या उनकी अकल है मैं जो है ज्यादा अक्लमंद हूँ यानी कि ये एक तकबुर जो मशवरा नहीं लेना क्या है एक तकबर की यानी कि अलामत है अपने आप को जो है बहुत ज्यादा अक्लमंद समझने की अलामत अपने आप को बड़ा जो है सेल्फ सफिशेंट जो है समझने की अलामत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जो है यानी कि क्या बोलेंगे कि हम्बल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग अ नबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम से मशवरा करते थे यहाँ तक के इतना प्यारा एक वाक है ना कि जिसमें जिसमे सुलेहुदेबिया के टाइम पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा करने के लिए गए थे आप लोग वाकिफ होंगे इनशाला हम लोग आगे अभी आ रहा है ना अपना सुरफत जब आ रहा तो इनशाला डिटेल में हम लोग देखेंगे तो आप सल्लाम जब उमरा करने गए थे पर कुछ हालत ऐसे हुए कि उम्र नहीं कर सके तो आप सल अलाम ने अपनी यानी कि हुक्म दिया कि किबानी करो और हल सर के बाल मंडवाओ कोई साहबी जो है शौक में बैठे हुए गम में बैठे हुए उठ रहे नहीं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मायूस होते हैं अपने हुजरे में जाते हैं और जाकर जो है अपनी बीवी के सामने ये बात रखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आपको ये हुक्म आपको ये मशवरा देती हैं कि आप खुद उठिए आप खुद उठिए और उठकर जाकर जो है अल्लाह के रसूल आप ये अमल करिए इन आपको फॉलो करके तमाम सहाबा करेंगे तो आप ये मोमिनीन उमातुल उम्म सलमाज के मशवरे के ऊपर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरीके से अमल करें और फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा था वैसे ही हुआ तो आप सल अम अपनी बीवी से भी मशवरा करते थे तो देखिए कितना यानी कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम के इससे अंदाजा लगा सकते कितने हम्बल आप सल्लाम हैं हमको उससे अंदाजा होता तो लिहाजा हमारा काम ये है कि हम हर मामले में जो अहम होता है यानी कि छोटे छोटे मामले में कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं रोटी खाऊं या चावल खाऊं या मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं पानी नहाऊ या पानी नहीं नहाऊ ठीक है तो ऐसे बातों पर मशवरा नहीं होता मतलब मशवरा जब जो कोई अहम बात होती है तो उसमें मशवरा करना है लोगों से और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि सल ने फरमाया कि मशवरे में खैर है यानी कि अल्लाह ताला ने खैर रख दिया है मशवरे में जब सारे लोगों से बात होती है तो इतने सारे जब जहर लगते हैं तो एक अच्छी बात ही पर कंक्लूजन निकलता है ठीक है तो मशवरा करना है लोगों से भी और अगर बहुत अहम मामला है तो अल्लाह ताला से भी मशवरा करना है जिसको हम इस्ते कहते हैं ठीक है थीके? तो अल्लाह से भी मशवरा किया जाएगा अहम बातों पर और लोगों से भी मशवरा किया जाएगा अच्छा जब मशवरा किया गया तो फिर क्या करेंगे मशवरा करने के बाद मशवरे पर अमल करेंगे उसको मजाक नहीं बनाएंगे कि यानी कि मशवरा तो कर लिए बड़ी मीटिंगें कर लिए सारे लोगों को जमा कर लिए सारे लोगों से बातें पूछ लिए उसके बाद जो है फिर कर रहे वही जो आपकी मन में है आप अपनी ही मनमानी कर रहे तो फिर उसके अंदर फिर मशवरे का कोई सेंस नहीं बनता जब मशवरे में एक बात तय हो गई तो फिर उसके बाद चेंज उसके अंदर नहीं करना है उसको ही फॉलो करना है और फिर दूसरा और एक एक बात कि जब आपको आपसे यानी कि आपको ये काम करना है कि मशवरा हुआ तय हो गया और आपको उसके ऊपर अमल करना है अच्छा अब उसके बाद अगर आपसे आप कोई जो है कोई अच्छी नसीहत मांगे ओके और आप किसी को नसीहत दिए कि भाई आप मशवरा दिए कि ये ये काम बेहतर है तो उसके बाद आपका काम ये है कि उस उनके ऊपर जब आप मशवरा दे दें तो जबरदस्ती उनके ऊपर थोपे नहीं कि अब अब मैं दी, अब मैं दी करना तुम दूसरा कैसा कर सकते ना तो मशवरा लिए कई को अब मैं ये बोली ना अब ये सही है ये सबसे अच्छा है यानी कि फिर आप एक डिक्टेटरशिप वाला आ, काम कर रहे जैसा हो गया यानी कि फिर आप वो थोपना नहीं है आप दे दीजिए उसी तरीके से चार लोगों से मशवरा करते फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पे आकर फिर एक मामला जो है तय होता तो लिहाजा हमको क्या है कि उसके ऊपर अमल भी करने का है और इन आ, और जब हम ये करेंगे तो इनशाला उसमें अल्लाह तला की तरफ से खैर का अल्लाह तला ने वादा किया है कि फिर उसमें जरूर अल्लाह तैर रखेगा और देखिये की ये आप सल्लासम का जैसा तरीका था हम देखे उसके अलावा भी इवन साहब इकराम का भी ये तरीका था खासतौर पर जैसा उमर रजतन के बारे में आता है की उमर रजू उमर रजा तला ने तो मुशावरती कमेटी कायम की थी यानी कि जिसके अंदर जो है छह सहाबा इकराम थे और वो छह सहाबा इकराम की जो है एडवाइजरी काउंसिल जैसा होती है मुशावरती कमेटी जो होती है कीम होती है तो उस तरीके से उमर रजा तला ने कायम किया था और फिर हर मामले को उमर रजा तला पूछ कर मशवरा कर कर जो है अमल करते थे तो लिस्ट आप डिस्प्ले कर दीजिए तो उमर रजतन की टीम में उस्मान रजतान रजत थे, अली थे बिन 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 अभी और बिन और सारे के ये छह साहबा और छह साहबा में से जो आ, पूरे जो साहबा है ये आ, पूरे आ, किस में से है अशर मुबशरा में से भी है तो ये टीम होती थी और इनसे जो है आप सल्लल्लाहु उमर रजतन हमेशा मशवरा करते थे और इन्हीं के मशवरे से ये सारे लोगों के मशवरे से ही उमर रज के इंतकाल के बाद उस्मान रज को एज अ uh, जो है uh, क्या है uh, खलीफा uh, मुंतखब किया गया उनको जो है uh, uh, यानी कि डिसाइड हुआ तो इस तरीके से साहबा इकराम का अमल था तो लिहाजा ये अमल में जो हमारे नबी का तरीका था ये अमल जो हमारे यानी कि अहब का तरीका था प्यारे प्यारे साहबा इकराम का तरीका था तो वो अमल हमारे को भी अपनी जिंदगियों में लाने का है और उसके मुताबिक हम लोग रहेंगे तो इन हमारी जिंदगी में खैर और बरकत रहेगी तो लिहाजा हमको आज से ये कोशिश करना है कि कोई भी काम ऐसे अकेले बगैर सोचे समझे बगैर किसी से मशवरा लिए बस अपने आप को सेल्फ सफिशेंट समझते हुए ना मेरे को मियाँ की जरूरत है ना मेरे को सास की जरूरत है ना मेको अम्मी की जरूरत है ना अब की जरूरत है तो लिहाजा जो भी करूंगी मैं अपनी मर्जी से मनमानी से कर लूंगी और मेरे को किसी की जरूरत नहीं है क्या मैं छोटी दूध पीती बच्ची कि किसी से पूछने की जरूरत है तो ये वाला हमारा मामला एटीट्यूड नहीं होना है ये वाला कोई दुनियावी मामला नहीं है बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है उसके लिए हम करेंगे तो इनशाला हर मामले में हमारे अल्लाह जिंदगी में फिर और बरकत रखेगा उसके बाद और फिर ये किसकी सिफत है ये एक मोमिन की सिफत है जो हम आपको अपने अंदर अपनानी है फिर उसके बाद कंटिन्यू हो रही आयत नंबर थर्टी एट उसमें आगे आ रहा है कि और सिफत नंबर एट आ रही है हमारी कि हमने जो कुछ भी उन्हें दिया है रिस्क उसमें से वो खर्च करते हैं और एक एक सिफत मोमिन की सिफत क्या है कि जो भी रिस्क उनको दिया जाता है वो उस रिस्क में से अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं अपने ऊपर भी खर्च करते हैं यानी कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी के खिलाफ जो बातें नहीं है उसमें नहीं खर, खर्च करते और ना इसराफ करते हैं और, और अल्लाह ताला की राह में अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी में गुड कॉज में वो खर्च करते हैं फिर मजीद अल्लाह ताला बताते हैं सिफत तो नंबर नाइन और जब उन पर ज्यादती की जाती है जब उन पर जो है दस दराजी की जाती है जब उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है तो उनका मामला क्या होता है उनका मामला ये होता है कि वो उसका बदला लेते हैं अब देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा मामला आ गया कि उसका जो है वो मुकाबला करते हैं और उसका वो बदला लेते हैं तो अब पीछे हम देखें कि जब गुस्सा आए तो हमारे क्या करना है उनको माफ कर देना है राइट अब यहाँ पर जब और ज्यादाती हो गई तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसका वो माफ करते हैं नहीं बताया जा रहा बल्कि क्या बताया जा रहा उसका वो बस बदला लेते हैं तो इससे हमारे को यहाँ पर एक दिन का बहुत ही अहम जो है यानी कि मिजाज हमारे को समझ में आ रही है और वो मिजाज ये है कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर बताते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर बुराई की जाए जब तुम्हारे ऊपर जो है जुल्म और ज्यादती की जाए तो तुम उसके हिसाब अपने हिसाब से यानी कि ज्यादती के ऊपर तुम बदला ले सकते पर कितना लेना है जितना तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ उतना ही बदला लेना है यानी कि जिस तरीके से सुर माह में खिसार्स की आयतों में हम लोगों ने पढ़ा था ना आंख के बदले आंख नाक के बदले नाक कान के बदले कान जान के बदले जान ठीक है और फिर अगर आजाद है तो आज़ाद ही से बदला लिया जाएगा गुलाम है तो गुलाम ही से बदला लिया जाएगा तो ये है हमारे दीन का मिजाज हमारे दीन का मिजाज दूसरे मजाब की तरह नहीं है कि एक कल्ले पे कोई मारे तो दूसरा कल्ला भी सामने जैसा क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है कि इस तरीके का है कि अगर कोई एक कल्ले पे मारे तो दूसरा कल्ला सामने देना ये हमारे दिन का मिजाज नहीं है कि एक कल तो मतलब तुम्हारी एक तो बेवकूफी है कि हदीस में आता है इनफैक्ट आप सल्ला ने फरमाया कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता यानी कि आपको एक जगह से एक बार धोखा मिला एक जगह से एक बार थप्पड़ मिला तो दूसरा थप्पड़ लेने के लिए वहां पर आप वो नहीं करना है कि कला आगे करके हाँ भाई दूसरा भी, भी थप्पड़ आप मेरे चेहरे पर रसीद करो और मैं आपके सामने की तरह पंच जो है पंचिंग बैग बन के खड़ा रहूंगा तो ये हमारे दिन का मिजाज नहीं है आपको इजाजत है ठीक है अब एक है देखिए इजाजत की बात की आपको इजाजत है कि जब आपके ऊपर जो है कोई जुल्म करे आपके ऊपर कोई ज्यादती करे तो आप उसका बदला ले सकते पर कितना लेना है जितना आपके ऊपर जुलमर ज्यादा की जा रही जैसे सूर्य बकरा में आता है आयत नंबर वन ट्वेंटी तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती वो तुम पर करे वैसी ही तुम उस पर करो यानी कि जितनी उन्होंने किया है उस पर तुम भी उतनी कर सकते फिर नहल की आयत नंबर में अल्लाह फरमाते हैं और अगर तुम उनको तकलीफ देनी चाहो तो इतनी ही दो जितनी तकलीफ तुम उनको तुमको उनसे पहुंची है यानी कि जितना तुमको पहुंचा है उतना ही तुम उनको तकलीफ देना है और सूर्य मायदा की अभी जो मैं आयत को आयत नंबर फोर्टी फाइव आप रेफर कर सकते हैं तो अब यहाँ पर भी यही बात हो रही है तो तमाम आयतों का कंक्लूजन ये निकल रहा कि जब आप पे कोई ज्यादाती करे तो आप को बदला लेने की इजाजत है पर इजाजत के अलावा एक होती ना इजाजत है ओके और एक होता कि भाई रिकमेंडेड क्या है प्रेफरेबल क्या है पसंदीदा क्या है अल्लाह को क्या पसंद है अल्लाह के रसूल का क्या तरीका था और अल्लाह के रसूल ने अपने लिए क्या पसंद किया था तो अब यहाँ पर आगे देखिए कि बुराई का बदला वैसे ही बुराई है यानी कि जो है सेम बदला है फिर जो कोई माफ कर दे अब ये जो है पसंदीदा अमल है अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि जो कोई माफ कर दे और इसलाह करे इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है अल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत बात है कौन सा कि उसका अजर अजरू अल्लाह उसका अजर अल्लाह के पास है उसका अजर जन्नत है ने बोले अल्लाह ताला उसका अजर जो है इतने गुना सवाब है ने बोले हजार नेकियां मिलेंगी ने बोले उसके बदल जो है अल्लाह ताला एक हज का सवाब एक उमरे का सवाब या फिर फला और फला अल्लाह तला बताए नहीं बल्कि क्या बताए उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है यानी कि अल्लाह अब अपनी शान के मुताबिक अपने अल्लाह तला जो है खजानों में से जो चाहे वो इंसान को देने के अल्लाह तला दे देगा और अल्लाह तब बोल रहे कि उसकी गारंटी मेरी जैसा बोलते ना अपन बस तुम जो है ये कर लो बस उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ ठीक है मेरे जिम्मे है भाई मैं सब संभाल ले तो अल्लाह तला ये बात बता रहे कि अल्ला की अल्लाह की जिमे उसका अजर है और अल्लाह ताला उसकी जो है मामला अल्लाह के हवाले अल्लाह ताला कर ले कर लेगा और उसको आखिरत में अपनी शान से उसका अजर देगा तो कितना भी अजर उसके लिए है क्योंकि क्योंकि ये बात भी तो बड़ी है ना कि इंसान के सामने इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा और इंसान उसके ऊपर क्या कर रहा माफ कर दे रहा ठीक है तो अल्लाह ताला फमन अफा कि वो माफ कर दे दरगुजर कर दे नजरअंदाज कर दे और फिर जो है अपने दिल से उसको मिटा दे ये नहीं की दिल में दुश्मनी पाल लेकर बैठे बल्कि दिल से मिटा दे जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने अमली नमूना है कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के कितने सारे जो है सिचुएशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर होते हुए जुल्मों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया अल्लाह आप सल अला ने दरगुजर कर दिया तो अब यहाँ पर क्या है कि एक है कि आप जो है आपके ऊपर कोई जुल्म हुआ यानी कि आपको कोई एक थप्पड़ मारा तो आप पलटा कर उसको चार थप्पड़ मार सकते हैं ठीक है एक सिचुएशन हो गई दूसरा अगर आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा तो आप उसको एक थप्पड़ मारे और तीसरा अगर किसी ने आपके ऊपर आपको एक थप्पड़ मारा तो आप उसको माफ कर दे रहे ठीक है तो फर्स्ट वाला हमारे पास जायज नहीं है हराम है हमारे पास कि कोई एक थप्पड़ मारे तो आप पलटा कर चार रसीद कर दे गुस्से में क्योंकि जब आ, सामने वाले जब सामने वाला मारता है तो आपको गुस्सा आता है आप बहुत ज्यादा जो है आ, अपने आप को बेकाबू करके आप उस डेफिनेटली उससे ज्यादा ही जो है आप उसको मारते हैं तो ये हमारे पास हराम है दूसरा अगर एक मारा तो ठीक है आप भी एक मारो आपको इजाजत है पर पसंदीदा क्या है रिकमेंडेड क्या है कि आप उसको माफ कर दो आप उसको जो है दरगुजर कर दो और फिर देखिए कि बदला लेने का भी जब हुक्म है तो अब एक इंसान है ना क्या अब एक सामने वाला आपको थप्पड़ मारा क्या आप उसकी इंटेंसिटी काउंट कर सकते क्या गिन सकते अच्छा इन्हें इतनी स्पीड में इतने फोर्स के साथ इतनी डिस्टेंस में उन्हें मेरे ऊपर एक थप्पड़ रसीद करा तो उसका इतना प्रेशर पड़ा तो उतना ही मैं अब रिटर्न करूं ऐसा तो कोई नहीं कर सकता हो सकता आप ज्यादा कर दें और आप ज्यादा करके आप जालिम बन जाए वो मजलूम बन जाए यानी कि पहले तो आप मजलूम थे और आप अल्लाह तला के नजदीक जो है मतलब अल्लाह ताला आपके जो है साइड थे और आपके लिए जो है अजर का अल्लाह ताला वादा कर रहे अल्लाह अपने जिम्मे अल्लाह ताला अजर का जो है वादा करे वह है और फिर अल्लाह ताला बोले कि जो मज़लूम है मज़लूम की दुआ तो सीधा जन सीधा जो है आज तक पहुंचने वाले अब अगर आप बदला लेने में ज्यादती कर दिए अगर खुदा न खासा आप बदला लेने में ज्यादती कर दिए तो अब क्या हो जाएगा मामला कि अब आप जालिम बन जाएंगे वो मजमूम बन जाएगा तो लिहाजा हुक्म क्या है कि माफ़ कर देने का हुकुम है। और आप वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस आती है कि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह ताला माफ कर देने से बंदे की इज्जत ही में इजाफा करता है यानी कि इंसान क्या समझता है कि मैं माफ करूँगा तो मेरी इज्जत कम हो रही क्या मैं क्या हम गलत है हम कहीं को माफ़ करना क्या हम जो है हक पे नहीं है लोगों के यानी की शैतान जहन में क्या क्या ख्याल नहीं डालता तो अल्लाह ताला के रसूल सल्ला से ये बात बता रहे और सही मुस्लिम में ये है कि ताला माफ कर देने से बंदे की इज्जत ही में इजाफा करता कि जो माफ करने वाला है, है। यानी कि उन्हें इज्जत वाला है और तो अल्लाह तला यहाँ पर यह बशारत दे रहे फिर दूसरा जो है और एक हदीस में आता है कि जो भी इंसान जो अः की शुरुआत करता है ठीक है तो वो फिर ालिम भी रहता है और फिर सारा गुना फिर पूरे जो भी फसाद हो रहा उसका सारा गुनाह का जो है उसी के सर पर जो है चले जाता है ठीक है तो अल्लाह ताला यहाँ पर और एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो गालियां देने वाले जो कहें उसका गुना इब्तः करने वाले पर है बशर्त ये कि मजलूम हद से तजावज ना करे तो अब यहाँ पर क्या है कि जो दो गालियां देने वाले यानी कि एक इंसान गाली देना डेफिनेटली शुरू करा राइट तो फिर दूसरा इंसान पलटा के उसको गाली दे रहा फिर उन्हें गाली दे रहा फिर उन्हें गाली दे रहा तो अल्लाह तला यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लासम क्या फर मारे कि जो गाली देना शुरू कराना तो उसके ऊपर जो है पूरा गुना है यानी कि गाली देने वाले का भी गुना है और उसका भी दो दो गुना उसके ऊपर है हाँ जो गाली देने वाला है उसको क्या है अल्लाह तला बोल रहे हैं कि अगर उन्हें हद से तजावीज करेंगे तो फिर इसके ऊपर भी गुना रहेंगे अब हद से तजावीज क्या अब उन्हें गाली दिया तो इन्हें गाली दे जूते भी मारा ठीक है एक घूसा भी मारा तो अभी ने क्या हो गया अभी ने झालिम हो गया तो फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा करेंगे तो फिर जालिम अपना फिर गुना अपने सर पर जो है समेटेगा तो ये हमारे इस्लाम का तरीका है तो लिहाजा हमारे लिए बेहतर क्या चीज है कि हमारे को जुल्म नहीं करने का है हमारे को माफ कर देने का है हमारे को दरगुजर करने का है और जालिम नहीं बनने का है क्योंकि देखिए कि जैसा अभी मैं बताए ना कि बदला लेते वक्त आप जालिम बन सकते हो और अल्लाह ताला यहाँ पर आयत नंबर फर्टी में क्या फरमा रहे इन्नहु ला है क्या बोले अल्लाह ताला क्या बोले इन्नहु ला ला ताला नहीं करता ऐसे लोगों से नहीं पसंद करता है ताला नहीं करता। तो फिर देखिए कि जब हम बदला लेंगे तो हो सकता है कि हमारे से ज्यादती हो जाए हमारे से जुल्म हो जाए तो फिर हम अल्लाह तुम है नापसंदीदा बंदों में शामिल हो जाए तो बेहतर क्या है कि एक इंसान जो है सबर करे और दरगुजर करे और गुस्से को कंट्रोल पहले जब आ गई गुस्से की बात गुस्से को कंट्रोल करे माफ कर दे और फिर बदला नहीं ले बदला नहीं ले बल्कि माफ कर दे तो इन शाह तलाफा अल्लाह तो फिर उसका अजर किसके पास है अल्लाह ताला के पास उसका अजर है सुबह अल्लाह फिर उसके बाद अल्लाह तला आगे फरमाते हैं कि और जो लोग और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला ले उनको मलामत नहीं की जा सकती यानी कि अगर उन सामने वाले के ऊपर जुल्म हो रहा अब जुल्म के बाद अब उन्हें जो है अपने अब जुल्म बचाओ के लिए फिर वापस बदला ले रहा है तो बदले के ऊपर उसके ऊपर कोई मलामत नहीं है मलामत का मुस्तक तो वो है जो दूसरों पर जुल्म करते हैं यानी कि अभी जो हदीस में ना दो गाली देने वालों के बारे में तो जो दूसरों पर जुल्म करते हैं असल उनु जो है मत वाले है और जमीन में ना हक ज्यादतियाँ करते हैं तो अब देखे कि कितना प्यारा हमारे इस्लाम का तरीका है कि अल्लाह बोल रहे बदला ले सकते पर माफ कर देना ज्यादा बेहतर है और उसको जो है मोटिवेट किया जा रहा किस सेंटेंस के साथ कि अल्लाह तला के पास इसका अजर है और फिर जो जुल्म करेंगे वो अल्लाह तला के पास नापसंदीदा है तो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की बिना पर फैला ये आयत को अगर गौर कर लें तो कितनी प्यारी अखलाक हमारे को दीन सिखा रहा है कि माफ करने के ऊपर माफ करने को जो है यानी कि रेकमेंड किया जा रहा है ऐसे लोगों के लिए दर्द ना अजाब है कैसे जो जुल्म करते हैं और नाहक ज्यादतियां करते हैं जमीन पर अलबत् जो शख्स से काम ले यानी कि अपने आप को कंट्रोल कर ले अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले अपनी जबान को कंट्रोल कर ले गाली देने से बच जाए हाथ उठाने से बच बच जाए जाए वापस बदला लेने से जो अपने आप को रोक ले और दर गुजर करे तो यही बड़े उलुलआजमी का का उलुल अजमी के कामों में से एक है यानी कि अल्लाह तला बोल रहे कि यही जो है अजमिल उमूर है यानी कि बड़े अच्छे कामों में से एक काम है बड़े अजम के कामों में से बड़े हिम्मत के हिम्मत के कामों में से जैसा है ना कि हम अपने आप को जो है बड़े हिम्मत वाले कहला लेना पसंद करते हैं वह क्या हिम्मत वाले है भाई क्या मजबूत है तो यहाँ पर अल्लाह ताला तोल मजबूत और हिम्मत वाला काम क्या है क्या सब्र करना और दरगुजर करना और बदला नहीं लेना उसके बाद अब यहाँ पर हम आ आ ये जो मोमिन के जो क्वालिटीज़ का जो सेक्शन था वो खत्म होता है फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला ही गुमराही में फेंक दे उसका कोई संभालने वाला संभालने वाला अल्लाह के बाद नहीं है तुम देखोगे की ये जालिम जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे अब पलटने की कोई सबील है यानी कि जुल्म और ज्यादती करे दुनिया में तो अब अब जब अजाब को देख लेंगे तो वहां पर खतरनाक जब अजाब उनके आंखों के सामने रहेगा तो वहां से भागना चाहेंगे और बोलेंगे कि क्या यहाँ से भागने की कोई सबील है और तुम देखोगे कि ये जहन्नुम के सामने जब सॉरी जब ज, 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 तुम देखोगे कि ये जहन्नुम के सामने जब लाए जाएंगे तो जिल्लत के मारे झुके जा रहे होंगे तो अब तब पर जब जहानुम के सामने उनको लाकर खड़ा किया जाएगा क्योंकि क्यामत में अल्लाह ताला जन्नत और जहानुम दोनों को भी दहशर के मैदान में लाएंगे और वो अपनी आंखों के सामने जन्नत को भी देखेंगे और जहनुम को भी देखेंगे और जहानुम के बारे में आता है हदीस में तवील हदीस है उसका मफू मैं बता रही हूँ की आप सल अब ने फरमाया कि किमत के दिन जहनुम इतने गुस्से में रहेगी इतनी चीखती चिल्लाती दहाड़ती रहेगी और आग के शोले अपने अंदर से जो है निकालती रहेगी कि उसको कंट्रोल करने के लिए उस को सत्तर हजार रोब्स लगाए जाएंगे सत्तर हजार उसकी जो है यानी कि क्या बोलेंगे अः रोब्स जिस तरीके से कंट्रोल करने के लिए जैसा होता है तो रोब्स लगाए जाएंगे रस्सियां लगाई जाएंगी और वो सत्तर हजार रस्सियों पर एक एक रस्सी पर सत्तर हजार फरिश्ते रहेंगे एक एक रस्सी पर क्या है सत्तर हजार फरिश्ते तो सत्तर हजार फरिश्ते एक रस्सी पर तो वैसी सत्तर हजार रस्सियां तो इंटू सत्तर हजार कर लीजिए और जो भी अरब बिलियन ट्रिलियन जो भी आ रहे वो उसके आ, 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 नंबर तो उतनी ज्यादा जो है बेड़िया एग्जैक्टली exactly, बेड़िया या लगाम गुड वर्ड ठीक है तो बेड़िया या लगाम उसके रहेंगे और उसको जो है खींचने के लिए सत्तर हजार फरिशते रहेंगे और वो उसको ड्रैग करते हुए लाएंगे और वो कंट्रोल में नहीं आते रहेगी इतने गुस्से में रहेंगी और जब जहनुमी देखेंगे अपने आंखों के सामने तो फिर जब जो है जिल्लत के मारे उनकी नजर, उनकी जो है नजरें झुकी जा रही रहेगी और फिर उसको नजर बचा बचा कर कन अखियों से वो देखेंगे यानी कि जब एक देखे कि जब इंसान की फितरत है ना जब कोई बहुत बुरा मंजर उसके आंखों के सामने आता है तो वो खुद ब खुद अपनी आंखों को क्या करता है बंद कर लेता है या आँखों को पलटा देता है जिस तरीके से हाथ रख लेते, लेते। मुसीबत की या जो भी अजाब है या जो भी आग है या जो भी यानी कि जानवर है कुछ भी रहो जो भी खतरनाक जो चीज है कहीं वो हमारी तरफ बढ़ी या नहीं बढ़ी वो देखने का भी रहता ना फिर अपने आप को बचाने आंख बंद करने से थोड़ी वो चीज गायब हो जाएगी आंख तो, तो बंद कर लेंगे और हैबत और परेशानी और शर्मिंदगी और जिल्लत उनके ऊपर छा रही होगी और तमाम लोग सामने रहेंगे पूरे हशर के मैदान में हर कोई सामने रहेंगे उसके बाद वो यहाँ पर अल्लाह ताला उनका मंजर खींच रहे और बता रहे उस वक्त वो लोग जो ईमान लाए थे कहेंगे कि वाकई असल जियाकारी जियाकार वही है जिन्होंने आज ख़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को यानी कि मुतालिकीन को खसारे में डाल दिया जो अपने अहल को और अपने आप को खसारे में डाला वो असल जो है आज लूजर है तो ये कौन कहेंगे ईमान वाले कहेंगे खबरदार हो जालिम लोग मुस्तकिल अजाब में होंगे यानी कि मुस्तकिल अजाब में होंगे एक सेकेंड के लिए उनके लिए एक सेकेंड एक मिनट के लिए उनसे अजाब कम नहीं होगा कोई दिन उनका छुट्टी का नहीं रहेगा जिस दिन उनको अजाब नहीं होगा मुसलसिल अजाब होता रहेगा इनफैक्ट अजाब में बढ़ोतरी होते रहेंगी और उनके कोई हामी व सरपरस्त ना होंगे जिसको दुनिया में वो पुकारा करते थे जिसको दुनिया में जिसके ऊपर तवकल और भरोसा अपना वली और औलिया बनाकर अपना जो है रहनुमा समझते थे और अपना बचा बचाने वाला समझते थे वो आखिरत में कोई उनके हामी और मददगार सरपरस ना होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में इनकी मदद को आए जिसे अल्लाह ताला गुमराही में फेंक दे उसके लिए बचाव की कोई सबील नहीं है जिसको अल्लाह ताला ही गुमराह कर दे उसके लिए कौन जो है बचा सकते हैं उसको कौन बचा सकता है फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं मान लो इस तजीबू के अल्लाह ताला जो दावत का जैसा हम लोगों ने शुरू में थीम पढ़ा था ना कि यहाँ पर दावत दी जा रही बार बार मान लो अपने रब की बात खबर इसके कि वो दिन आए जिसके टलने की कोई सूरत अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है यानी कि एक बार वो दिन आ गया क्यामत का दिन बर्पा हो गया या हमारे सामने मौत का फरिश्ता आ गया तो वो मौत का फरिश्ता फिर एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हट सकता तो फिर उसके टलने की कोई सूरत नहीं है तो अल्लाह तला बता रहे हैं, उस दिन से पहले का पहले कबूल कर लो ये दावत को हमको यहाँ क्या कहना है अल्लाह ताला हम ये दावत को कबूल कर लिए अल्लाह हम मान लिए अल्लाह ताला तेरे नबी करीम सल्लाह की जबानी से जो तूने हमारे पास मैसेज भेजा था जो तूने हमारे पास जो है अहकाम भेजे अल्लाह ताला हम उसको मान लिए और तेरे सामने हम झुकते हैं सरेंडर करते हैं हम तेरे इतात और इतात गुजार बंदे बनते हैं खानित बनते हैं आबिद बनते हैं और अल्लाह तला हम मुस्लिम बनकर तेरे तरफ रुझू करते हैं तो यहाँ पर अल्लाह तला बोले कि मान लो इस ख़बल के वो दिन आए जिसके टलने की कोई सूरत नहीं है उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाय पना ना होगी अल्लाह पर कोई रास्ता नहीं कोई जगह नहीं कोई यानी कि एक इंसान सोचता कि भाई घर में चले जाए रूम में चले जाए जाकर अपने आप को महफूस करे वहां पर कोई जाय खराब नहीं है कोई जगह नहीं है ना कोई तुम्हारे हाल ई हाल को बदलने के लिए कोई कोशिश करने वाला वहां पर होगा दुनिया में तो कोई तकलीफ मुसीबत आती तो हम किसी को सुना देते अपना जब तक सुनाए नहीं हमें को सुकून नहीं आता हमें को राहत नहीं मिलती और हमारे रिश्तेदार भी हमारे पास जो है पूरे आ जाते और आकर जो है हमारे को ढारस देने की कोशिश करते वहां पर कोई नहीं रहेगा अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उन हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर तो नहीं भेजा है यानी कि अगर उन्होंने तो आप आप परेशान मत हो आप उनके पर निगहबान नहीं है आप उनके पर हफीजा नहीं है कि आप उनको सीधे रास्ते पर भी चलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं आपका बस काम क्या है बशीर और नंदीर है आप पहुंचा देना है और यही है हुक्म हमारे लिए भी है देखिए कि हमको क्या है कि नबी हमारे पास जो है मैसेज पहुँचाना है हम मानेंगे हमारा फायदा है वरना हमार यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नुकसान है उसी तरीके से हमको ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है अगर उन्होंने मानेंगे तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं हमारा काम क्या है सिर्फ जस्ट टू कन्वे तुम पर तो सिर्फ बात पहुंचा देने की जिम्मेदारी है इंसान का हाल ये है कि जब हम उसे अपनी रहमत का मजा चकाते हैं तो वो उस पर फूल जाता है यानी कि अल्लाह तला अब यहाँ पर इंसान की फितरत बता रहे अब ये ये कौन सा इंसान है जिस जिसकी अल्लाह तला यहाँ पर फितरत बता रहे ये कौन सा इंसान है ये वो इंसान है जिसके अंदर ईमान नहीं है ठीक है ये मोमिन की सिफत अल्लाह तला नहीं बता रहे यहाँ पर एक इंसान की सिफत बता रहे अब जि जि जिसके अंदर ईमान रहता है अब ये अल्लाह तला एक इंसान की सिफत बता रहे कि जब इंसान को अल्लाह तला रहमत का मजा चकाते हैं तो वो उसके ऊपर क्या करता है फूल जाता है उसके ऊपर इतराता है उसके ऊपर अकड़ता है और यानी की शुक्र नहीं करता फूलता है का मतलब क्या है फरीहा बिहार का मतलब क्या है कि वो उसके ऊपर जो है शुक्र अदा नहीं करता और अगर अपने हाथों का किया धरा किसी मुसीबत की शकल में उस पर उलट पड़ता है तो वो सख्त बन जाता है तो अब यहां पर देखिए इंसान का हाल क्या है कि इंसान का हाल यह है कि जब उसके हाथों से अब देखिए कि कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा जो आयत नंबर थर्टी में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अल्लाह ताला क्या बता रहे कि उसके खुद के हाथों का किया धरा किसी मुसीबत की शक्ल में उसी के ऊपर उलट पड़ता है तो क्या करता है वो तस्किया नहीं करता अपने नफ्स की तरफ नहीं पलटता अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता अनाबत वाला अमल नहीं करता तोबर और नहीं करता अल्लाह से माफी नहीं मांगता बल्कि क्या करता सख्त नाशुकर बनकर बैठ जाता है कि अल्लाह तला कई को करे आप मेरे साथ ऐसा ऐसा कैसा मेरे ऊपर मुसीबत है कई कोई मेरे ऊपर मुसीबत अल्लाह क्या मैच मिली थी ये सब चीजें करने के लिए नौज बिल्ला ये बातें वो जबान से निकालता है वाई मी जो है वो अल्लाह तला से सवाल करता है कि अल्लाह मैं क्यों मैच क्यों अल्लाह तैच क्यों तो ये सवाल जो है Uh, कौन करता है एक इंसान जिसके अंदर ईमान नहीं है ठीक है पर उसके बरखिलाफ अल्लाह ताला जो है हदीस में आता है सेकेंड कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और ये बात मोमिन के सिवा और किसी को हासिल नहीं है नेक्स्ट हदीस नेक्स्ट हदीस डिस्प्ले करिए और ये बात मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं है कि अगर उसे कोई खुशी नसीब हो तो वो शुक्र करता है यानी कि मोमिन का सिफत कैसा है ये तो अल्लाह तला बताए क्या बोल रहे एक इंसान की सिफत बता रहे पर मोमिन की सिफत क्या है मोमिन की सिफत यह है कि जब भी उसके ऊपर कोई खुशी पहुंचती है तो वो उसके ऊपर शुक्र करता है बस यही उसके लिए बेहतर होता है और उसे कोई गम लाहक होता है तो वो उसके ऊपर सब्र करता है फिर यही उसके लिए बेहतर होता है यानी कि मुसीबत में सब्र खुशी में शुक्र उस वो मामले में भी उसी का फायदा ये मामले में भी उसका फायदा दोनों मामले में भी अल्लाह की रजा दोनों मामले में भी उसको अल्लाह तला का अजर और दोनों मामले में भी अल्लाह तला की तरफ से जन्नत की बशारत तो ये है मोमिन का मामला पर आम इंसान का मामला क्या है कि वो नाशुकर बन जाता है वो अल्लाह तला देने पर भूल जाता है इतराता है और नहीं देने पर नाशुकर बन जाता है और ख़ास तौर पे खास तौर पे आप और मुझे इस बारे में जो है ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के अंदर औरतों के अंदर क्या है ये नाशुक्री वाली सिफत बड़ी ज्यादा होती ये ना शुक्री वाली सिफत ज्यादा होती है कि तमाम नेमतें हम हासिल कर लेते हैं सामने वाले से और फिर जरिए कमी होने पर जो है गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं प्रीवियस हदीस बताइए तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुवा से मुखातिब करते हुए आप सल्ला ने फरमाया ग्ररोह निस्वा ए औरतों की जमात सदका करो मैंने जहानुमु में तुम्हें अक, तुम्हें अक्सरियत में देखा है तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि सल्ला ज्यादा किया करो क्योंकि में तुम्हारी कसरत ज्यादा थी तुम्हारी मेजोरिटी ज्यादा थी एक औरत ने अर्ज किया जैसा आपको और मुझे फिक्र हो रही कि क्यों भाई हमारी मेजोरिटी जहनु में क्यों ज्यादा है तो ए, उसी तरीके से साहबिया जब सुने तो उनको भी फिक्र हुई कि हम इतनी मेहनत करे हम इतना जदोजहद हम जो है ईमान लेकर आए हम तो नेक अमाल कर रहे सारे अमल करने के बावजूद भी हमारी मेजोरिटी क्यों जहानु में ज्यादा हो तो एक

तो ये कह देती है कि मैंने कभी भी तुझसे कोई खैर और भलाई नहीं देखी यानी कि आदमी क्या करता है जिंदगी भर औरत के साथ अच्छा मामला करता है या फिर अच्छा मामला के अलावा जैसा एक तो आ, मामले के अलावा भी जो है यानी कि सारी चीजें खर्च करता है अब देखिए कि आदमी उठता है मेहनत करता है द, दिन रात इकट्ठा करता है खून पसीने की कमाई अपनी जमाता है और अपनी फैमिली पर जो है वो लुटाता है अब हर चीज करता है बात भी सुनता है और फिर आपकी यानी कि जरूरतों को भी पूरी करता है आपके अः और पुदीने को भी लाकर देता है तो हर चीज करने के बावजूद भी अब जब जब किसी चीज में थोड़ी सी कमी हो तो कमी हो हो जाती जाती है 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 क्योंकि इंसान इंसान वो भी तो तो उसमें फिर औरत क्या कहती है? कि हाँ आप तो ऐसी हमेशा ऐसी करते मेरे साथ कभी मेरी बात सुनते नहीं कभी मेरे को आज तक खुशी दिए नहीं या फिर जो है कभी मेरे को मायके भेजते नहीं जबकि कई बार मायके जाके आते फिर क्या बोलते कभी मायके भेजतेच नहीं बोलते सौ बात सुने हुए रहते फिर उसके बाद बोलते कभी एक बात भी नहीं सुनते देखो मेरी मन करते मानी करते ठीक है कभी जो है आप आपके साथ मोहब्बत भी करते कभी प्यार से भी रहते कभी डांटते आप तो मैं इसको हमेशा ही डांटते रहते अरे भाई मोहब्बत करे जो भूल जाते हमेशा डांटने याद रहेगा आपको मोहब्बत करना याद नहीं रहा तो औरत का मामला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि इस तरीके से और देखिए कि ये सिर्फ जो है एक शोहर और बीवी की बात नहीं है ये एक जो है रिलेशन यानी कि यानीदेन और औलाद का भी रिलेशन है भाई बहन का भी रिलेशन है आपस में रिश, रिश्तेदारों और दोस्तों का भी रिलेशन है कि हम क्या करते हैं कि सामने वाला जब हमसे अच्छाया करता ना वो अच्छाइयों को हम एक्चुअली ज्यादा खदर नहीं करते भुला देते अच्छाइयों को या अच्छाइयों को अप्रिशिएट नहीं करते अच्छाइयों की कभी तारीफ नहीं करते जब कोई कमी हो जाती ना हाँ कमी को बराबर जिक्र करेंगे कमी को बराबर बोलेंगे कि कभी जब आप फेवर करें यानी कि जब सामने वाला आपके साथ मोहब्बत से बात करा कभी लाभ कितनी मोहब्बत से बात करे ये नहीं बोलते जरा उन्हें नाराजगी से जो है आपके सामने बात करते रहते क्या जब देखो जो गुस्से से बात करते रहते हैं। क्या तो इस तरीके का जो एटीट्यूड है तो ये एटीट्यूड औरतों में ज्यादा होता है ठीक है क्योंकि औरतें जरा इमोशनली बहुत ज्यादा इमोशन उनके अंदर रहते हैं गुस्से वाले तो रोने वाले हंसने वाले तो खुश हो जाने वाले एक्साइट हो जाने वाले ये इमोशन आदमियों को देखे इमोशन ऑलमोस्ट जो है नॉर्मल रहते हैं यानी कि उन्होंने अपनी शादी के दिन भी उनके चेहरे पे वही ऑलमोस्ट इमोशंस रहते हैं और कोई गम के दिन भी जो है वही इमोशंस रहते हैं सेम इमोशन ज्यादा इजहार नहीं करते इला ये कि कुछ और कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं एक्सेप्शनल केसेस भी तो बहरहाल सेम जो है इमोशन उनके कंट्रोल में रहते हम जो है जरा इमोशन में बहते चले जाते एकदम से जो है बिल्कुल आउट हो जाते कभी एकदम से रोने धोने शुरू कर देते कभी एकदम से हंसना शुरू कर देते तो ये हमारे अंदर ज्यादा है तो और फिर अल्लाह ताला ने ऐसी फितरत भी बनाई है और इसके अंदर हमारी खूबसूरती भी है अलहमदुल्लह इसके ऊपर हमको खुश होना चाहिए इसके अंदर खूबसूरती है ये खूबसूरती को खूबसूरती रखना है उसको सही डायरेक्शन देके ये नहीं कि उसको जो है भद्दा बना नहीं देना है उसको बदसूरत नहीं बना देना है बल्कि जो है उसको कंट्रोल में रखेंगे तो इनशाला ये चीज हमारे को खूबसूरत बनाएगी और लड़की को जो है यही क्वालिटीज उसको खूबसूरत बनाएंगे तो बहरहाल इससे हमको बचना है हमको कफूर नहीं बनना है बहुत ज्यादा कफूर का मतलब क्या है बहुत ज्यादा ना शुक्रा तो इंसान की फितरत होती है पर क्योंकि हमारे अंदर ईमान है क्योंकि हम कुरान और हदीस के जानने वाले हैं इल रखने वाले हैं नबीक से मोहब्बत रखने वाले हैं कुरान के अहकाम के ऊपर चलने वाले हैं अल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों में रखने वाले हैं और अल्लाह की इतात में जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर हमको इसके मुताब अमल करने की जरूरत है और ये नाशुक्री से इनशाला बचने की जरूरत है और अपने आप को एक तो नाशुरी से भी बचाना है और सदखा क्योंकि आप सल्ला हुक्म है कि तुम ज्यादा सदका किया करो तो फिर सदक़े के ऊपर भी हमारे है वैसे भी प्रीवियस जो हम औरत मोमिन की सिफत पढ़े उसके अंदर क्या बताया गया कि मोमिन जो है सदक़ा देने वाला होता है जो भी अल्लाह ताला रिस्क दिया है उसको आ, उसमें जो है खर्च करने वाला होता है रिस्क में अपने अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करने वाला होता है तो ये बहुत ही जो है अहम रिमाइंडर है हम लोगों के लिए फिर उसके बाद हमारा जो है बहुत ही छोटा कौन सी आयत में है भाई अपन अच्छा आयत नंबर फोर्टी एट में राइट फिर उसके बाद अल्लाह ताला तय फोर्टी नाइन में फरमाता है अल्लाह अल्लाह ताला की जमीन और आसमानों की बादशाही अल्लाह ताला जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है जो कुछ चाहता है पैदा करता है जिसे चाहता है लड़कियां देता है जिसे चाहता है लड़के देता है जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है वो सब कुछ जानता है और हर चीज पर खा है और फिर अल्लाह ताला की खुदरत में से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किसी बशर का ये मुकाम नहीं है कि अल्लाह ताला उससे रूबरू बात करे उसकी बात या आ, आ, या तो वही इशारे के तौर पर होती है या पर्दे के पीछे से होती है या फिर वो कोई पैगाम पैगामबर फरिश्ता भेजता है और वो उसके हुक्म से जो कुछ वो चाहता है वही करता है और वो बरतर है और हकीम है अच्छा तो यहाँ पर जो है हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो आयत नंबर अभी मैं फोर्टी नाइन पढ़ी ठीक है फोर्टी नाइन से हमारा आयत नंबर फिट्टी थ्री बहुत ही छोटा चार आयतों का हिस्सा हम लोगों का बचा हुआ है तो हम लोग ये एक, 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 एक करेंगे कि इन इसको कल कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट सूरज स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर वही के अकसाम का जिक्र है और वही के जो अकसाम यहाँ पर है तीन अकसाम का जिक्र है उसके अलावा भी वही के और भी अकसाम है सात अकसाम जो हमको रिवायतों के जरिए से मिलते हैं तो इनशाला हम लोग वो उसका डिस, डिस, डिटेल में देखेंगे कि वही कैसे कैसे कस्म की होती है किस तरीके से वही आती है और फिर ये जो आयता फोर्टी नाइन और फिफ्टी है जिसमें औलाद का अल्लाह तला जिक्र कर रहे हैं कि कुछ को बेटे और बेटियां देते हैं तो इनशाला इसके बारे में इसमें भी हमारे लिए बहुत प्यारे नसीहतें हैं तो हम लोग इनशाला इसको कल कंटिन्यू करेंगे तो अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह जो भी बातें आज हमने सुनी है अल्लाह उसके ऊपर हमको अमल करने की तोफी अता फरमा दे अल्लाह तला हमको ना शुक्रे लोगों में शामिल ना कर अल्लाह तला हमको जहनम की आग से बचा ले इलामीन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से ये बात कही है कि औरतों की तदाद जहनम में ज्यादा होगी तो अल्लाह ताला ये बात सौ फीसद हक़ है अल्लाह ताला वो सच्ची जबान से ये बात निकली है अल्लाह तला फिर हमारी आप बहुत ज्यादा हिफाजत फरमाइए हमको आपको की आग से बचा लीजिए और हमको ऐसे अमल की तोफ़ी ख़ता फरमाया फरमाए जिससे हम जहनुम से बच सके और अल्लाह तम हमको ऐसे तमाम अमाल से बचाए जिसकी वजह से हम जहनुम के मुस्तक बने अल्लाह ताली तो हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह जन्ना मिनन्नार अल्लाह जन्ना मिनन्नार अल्लाह जना मिनन्नार अल्लाह हमको खूब सदक़ा देने की तोफ़ी ख़तः फरमा दे क्या इलामीन तेरी तेरा जो अहकामातू तूने नाजिल फरमाया उसको वो वक्त आने से पहले कबूल फरमा जिसमें फिर कोई बचने की जगह नहीं है अल्लाह ताला तो जहनुम के मंजर से भी अल्लाह ताला हमको बचा ले या इलाहालमीन अल्लाह ताला हमको तोफ़ी अता फरमा के हम लोगों को माफ़ करने वाले बने ना कि जुल्म और ज्यादती करने वाले बने अल्लाह ताला मजलूम बनने से भी बचा ले अल्लाह ताला जालिम बनने से भी बचा ले क्या इलाहालमीन हमको तोफ़ी अता फरमा दे कि हम दुनिया में तमाम मामला में आपस में मशवरे से बातों को तय करने वाले बने नमाजों को कायम करने वाले बने तेरी राह में खूब खर्च करने वाले बने और तेरे अहकाम पर लब कर कर झुक कर तेरे अहकाम को बजा लाने वाले हम बन जाए इलामी तमाम फहज से कबाद से बुरे गुनाहों से और गुस्से और जुलम और ज्यादतियों से अल्लाह ताला तो हमारी हिफाजत फरमा हमको तोफी अता फरमा के हम दरगुजर करने वाले बड़े वसतलबी से काम करने वाले और तवक्ल और भरोसा करने वाले और मजबूती से ईमान लाने वाले बन जाए या इलामिन बेशक तेरी कुदरत बहुत वसी है अल्लाह ताला तू चाहे तो मिनटों और सेकंडों में हमारी जिंदगी को अल्लाह ताला तू साकिन कर सकता है अल्लाह ताला बेशक हम तेरी कुुदरत पर ईमान लाते हैं हम तुझ पर ईमान लाते हैं अल्लाह ताला तू हमको दुनिया की शर से और दुनिया की बुराइयों से बचा ले और आखिरत के शर और आखिरत के नुकसान से अल्लाह ताला तुम हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह ताला जो भी गुनाह हम हम लोगों ने किए हैं अल्लाह ताला वो गुनाहों को भी माफ फरमा दे और वो गुनाहों के शर को भी अल्लाह ताला हमसे दूर कर दे वो गुनाहों की नहुसत हमारी जिंदगियों से दूर कर दे और वो गुनाहों की नहुसत की वजह से जो परेशानी और मुश्किलात में जो हम घिरे हुए हैं अल्लाह ताला वो परेशानियां और मुश्किलात से हमारी निजात अता फरमा दे और अल्लाह ताला तला हमने जो भी मांगा है अल्लाह ताला अता फरमा और

سبحان ربك <تصفحك> رب العزة يما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو چلیے اس کے ساتھ اجازت دیجئے آپ کی بہن عائشہ فاطمہ کو انشاءاللہ کل کلاس میں ملاقات کریں ابھی آپ کا جو كوز ہے آپ لوگوں كي گروپ میں